नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 20 नवंबर को अरविंद केजरीवाल पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर लालू यादव भी मौजूद थे। केजरीवाल को देखते ही लालू यादव उठे और दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगा लिया। अरविंद केजरीवाल और लालू यादव के गले मिलने वाली इस तस्वीर से भूचाल मच गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रही। इस तस्वीर को लेकर केजरीवाल अपने विरोधियों के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर आ गए हैं। आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी इस पर सवाल उठे। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू से गले मिलने पर सफाई दी। केजरीवाल ने कहा, लालू यादव ने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद उन्होंने मुझे खींच कर गले लगा लिया। मैं अब भी करप्शन का विरोध करता हूं, हमने कोई गठबंधन नहीं किया है। तो उस सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। और फिर मेरा हाथ उठा के, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों को मंत्री बना दिया, इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है। हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। और केजरीवाल की सफाई को कांग्रेस ने उनकी कथनी और करनी में फर्क बताया है। केजरीवाल जी अब दिल्ली में जाके कुछ और बोले, लेकिन पटना में उस दिन जितने लोग गांधी मैदान में उपस्थित थे और जिन लोगों ने उन समारोह को टीवी से देखा, तो आज केजरीवाल जो जी बोल रहे हैं उसमें विरोधाभास है। कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया है। लोगों ने देखा कि वो भी आत्मीयता के साथ ही लालू प्रसाद जी से मिल रहे थे, गले मिले, हाथ मिलाया, लोगों को वेव किया और चेहरे से अत्यधिक प्रसन्न भी वो दिख रहे थे कि इतनी बड़ी जीत यहाँ पर सेकुलर ताकतों की हुई है और भारतीय जनता पार्टी हारी है। अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर कुछ दबाव है उनके ऊपर, चूंकि वो दिल्ली में कुछ और राजनीति करते हैं, बिहार में कुछ और करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लालू यादव ने जबरदस्ती उनका हाथ खींचा और गले लगा लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लालू यादव ने जबरदस्ती गले लगा लिया अरविंद केजरीवाल को, जबरदस्ती गले लगाना चाहते हैं? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल जी आए हुए थे, जिसे सब दुनिया देख रही थी, आप लोग के भी चैनल के माध्यम से लाइव चल रहा था। और केजरीवाल जी आए थे शपथ, जब जनता ने स्वीकार कर लिया था लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी और कांग्रेस का महागठबंधन था, उसका शपथ ग्रहण हो रहा था। केजरीवाल जी को ये पता था कि लालू प्रसाद जी बिहार में गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीते हैं, अपार जन समर्थन मिला है, जनाधिक मिला है। और लालू प्रसाद जी ने सम्मान के साथ, लालू प्रसाद जी उम्र भी बड़े हैं उनसे, केजरीवाल जी से बड़े राजनेता देश के, और उन्होंने सम्मान के लिए वो आए थे बिहार में, उस मंच पर आए थे, उन्होंने गले लगाकर एक अभिवादन किया शिष्टाचार के नाते। वो मुख्यमंत्री पहली बार अभी केजरीवाल जी बने हैं, लालू प्रसाद जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय जी, इससे पहले हमने खूब बयानबाजी सुनी, लालू यादव खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते थे और जब मंच की तस्वीर सामने आई तो हैरान करने वाली थी, जो इस वक्त आप टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। नहीं, ठीक है, हैरान करने वाली नहीं। देखिए, उस समय जिस समय अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी भी पहले हम लोग अलग थे, जिस समय जो विरोध में रहते हैं तो वो क्या करते, उस समय हमने कहा था। लेकिन जो धारा, विचारधारा की लड़ाई है और जिस विचारधारा की लड़ाई में केजरीवाल जी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरोप लगाना शुरू किया और जिस तरह से क्वेश्चनबाजी किया, तो कुर्सी के लिए विचारधारा की लड़ाई खत्म हो जाती है क्या?
नहीं, विचारधारा की लड़ाई खत्म होने पे लालू प्रसाद जी केजरीवाल जी से बड़े नेता हैं देश के, ये सब लोग जानते हैं। और केजरीवाल जी आए, उनका स्वागत अगर हमने गले लगकर किया, अब तो इसको अगर केजरीवाल जी अभी कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमको खींच लिया, तो ये केजरीवाल जी की मानसिकता को हम क्या कह सकते हैं कि अब इसमें तो हमें नहीं लगता है कि देश और जो पब्लिक थी वो सब देख रही थी कि आज तो लालू प्रसाद जी के बेटे खुद उप मुख्यमंत्री हैं और जनता के आशीर्वाद से है, जिस तरह से केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं जनता के आशीर्वाद से, तो आज बिहार की जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और उनके तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। कोई लालू प्रसाद जी ने जी आप बने रहिए, जरा अजय आलोक क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, आपके ही सहयोगी पार्टी के नेता हैं।